Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Shivrat Prathi, and this video is going to be for the CBSE students. And this is to inform you that the class 12 CBSE board ke exams jiske liye hum itne times official notification ka wait kar rahe the wo cancel ho chuke hain. Yes, is it true? And this is the official notification, you can check it out. I'll be putting the link in description box in to make sure ki aap ye official news check kar paye. Aaj 1st of June hai and jo HRD minister hai yani education minister Ramesh Pokhriyal, unhone kaha tha ki मीटिंग होगी, सब कुछ तय होगा. मीटिंग हुई थी लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं निकला था. इन फैक्ट ये भी कहा गया था 3rd of June को जो है वो देखा जाएगा. बट जब आप पीएम के साथ मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो एग्जाम्स है वो 12th के कैंसिल कर दिए गए. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए तो रिजल्ट कैसे दिया जाएगा? तो देखो, रिजल्ट का भी प्रोसीजर चलेगा. दे आर गोइंग टू डू इट एज पर द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर. लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू डू इट. अदरवाइज प्री बोर्ड यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि प्री बोर्ड के बेसिस पे होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है टाइम बाउंड मैनर में, दिस आई लेट यू नो वेरी सून इन टू माई अपकमिंग वीडियो. बिकॉज अगर अभी सिर्फ कैंसिलेशन का आया, अभी डिटेल इस पर नहीं आया है कि किस तरीके से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और कैसे नहीं करने वाले हैं. एंड देन आई जस्ट से दैट कि शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट डू यू थिंक द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन राइट नाउ सही करने वाला है काम या नहीं? आई नो मेनी स्टूडेंट्स वांट कि एग्जाम हो, क्योंकि जिन लोगों ने साल भर किया था, बट ये भी बात आप भी जानते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था. सो देखते हैं जो भी होगा, फिलहाल हमें पता चल जाएगा. एग्जाम का मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आप लोगों का रिजल्ट किस बेसिस पे बनाया जाए. लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपका 12th के एग्जाम कैंसिल हुए हैं तो आपको कॉलेज में जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि एंट्रेंस देना होगा. डीओ का एक नोटिफिकेशन आया है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कल बनाने वाली हूँ, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है रिगार्डिंग अगर सीबीएसई के एग्जाम्स नहीं होते हैं सो दे आर गोइंग टू हैव प्रॉपर एंट्रेंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. क्योंकि पूरे डीओ का क्राइटेरिया ही हमेशा से यही रहा है कि दे आर गोइंग टू टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ 12th रिजल्ट. इन 12th एग्जाम ही नहीं हुए तो एडमिशन प्रोसीजर ऑफकोर्स डिफिकल्ट होगी. डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन वट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन एंड हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ. क्लास 12th स्टूडेंट, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो एंड हिट द लाइक बटन, शेयर दिस खुशखबरी और मे बी दो खबरी फॉर सम स्टूडेंट्स. They might not be agree with the decision, but जो हो गया फिलहाल हो गया. And let's accept this. Subscribe Study Shivrat Prathi for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो. Bye bye.